ये देखिए गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ा प्रसाद, जो कि बहुत टेस्टी, बहुत यमी बनता है और बहुत ज़्यादा इसमें घी लगता है, मगर हम बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा घी नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे बना है ये कड़ा प्रसाद, बहुत टेस्टी, यमी, अमेजिंग। तो चलिए देख लेते हैं। एक बाउल ले लिया है हमने, देखिए आटा ले लिया है और इसमें थोड़ा सा हम चेंज देंगे। तो पहले तो हम आटे को भून लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये देख सकते हैं लगभग 2 मिनट भून लिया था। अब हम डाल देंगे हाफ बाउल बेसन। ठीक है, इस कड़ा प्रसाद को बनाने के लिए हमने बेसन का भी यूज़ किया है। जनरली बेसन का यूज़ नहीं लोग करते हैं, मगर हमने थोड़ा सा अलग टेक्सचर का बनाया है। ठीक है, जो कि बहुत 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 अमेजिंग लगता है। तो ये देख सकते हैं इसमें क्या है गाइस, कड़ा प्रसाद की भी का फ्लेवर आएगा और बेसन बर्फी का भी, मतलब बेसन बर्फी का भी स्वाद आएगा, टेस्ट आएगा, बहुत टेस्टी लगता है। आप एक बार हमारी तरह से बना कर तो देखें। तो ये देखिए, इस तरह से हम लगभग लगभग 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छे से। ठीक है, टोटल हमें 5 मिनट लगा था इसको भूनने में, क्योंकि आटा वगैरह है, भूनेगा नहीं अच्छा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए, हाफ बाउल ले लिया है घी। ठीक है, हाफ बाउल घी लिया है, मेल्टेड घी है। तो ये हमने फुल घी लिया था, जैसे कि हम आपको दिखा सकें। तो ये जितना हमने आटा लिया था उसी हिसाब से हमने घी ले लिया है, फुल लिया था, लेकिन हमने अभी हाफ डाला है। अगर ज़रूरत लगेगी तो हम और डाल देंगे, मगर इसमें ज़रूरत नहीं लगेगी, क्योंकि एक ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे ना कि उससे बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बनेगा, आपका बिल्कुल मावे जैसा बनेगा, बहुत अच्छा टेस्टी कड़ा प्रसाद बनता है। तो देखिए, इस तरह से दबा दबा कर अच्छे से भून लेंगे। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से करते हुए दबा के भूनना है, बहुत टेस्टी लगता है। और ये आप भोग प्रसाद में भी बना करके चढ़ा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से हम अच्छे से भून लेंगे अपने कड़ा प्रसाद को। ये देखिए, अब इसमें हम डाल देंगे, देखिए हाफ बाउल या फिर आप 5 से 6 स्पून नारियल का बुरादा डालेंगे, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। इलायची डाल देंगे, इलायची दाना, और इसे भी हम भून लेंगे। तो देखिए, नारियल का बुरादा थोड़ा ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। तो ये देखिए, अब इसमें शुगर डाल देंगे हम। तो जितना हमने आटा लिया था, बस उसी के हिसाब से हमने शुगर डाला है। तो हमने क्या है, एक बाउल शुगर लिया है। ठीक है, एक बाउल आटा था तो एक बाउल हमने शुगर लिया है। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनाएंगे, क्योंकि घर में ही बना रहे हैं खाने के लिए। और आप मीठा ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे ज़्यादा किसी किसी को ज़्यादा अच्छा लगता है मीठा, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा भी मीठा कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए गाइस, हमने चीनी को पीस लिया था। देखिए, अगर आपके पास पिसी हुई चीनी पाउडर नहीं है तो आप मिक्सी के जार में पीस लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, 2 स्पून घी और ऐड करेंगे, थोड़ा सा कम लग रहा था घी। इस तरह से फिर से भूनेंगे। और अब देखिए, एक बाउल ले लिया है दूध, इसे हम डालेंगे और बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे, ये देख सकते हैं इस तरह से। तो देखिए, दूध की वजह से मावे का फ्लेवर आएगा, बहुत टेस्टी फ्लेवर आता है। एक बार इस तरह से बना कर देखिए, सच में आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना अच्छा प्रसाद बनता है। देख सकते हैं, बस हमारा प्रसाद लगभग बन चुका है। इसी को इसी तरह से फ्राई करेंगे। एक बाउल दूध डाला है, बस उसी में ये हमारा फूल जाएगा अच्छे से। ठीक है, और आप देख सकते हैं घी भी कितने अच्छे से निकल कर आया है, ये देखिए इस तरह से। तो बस अब इसे आप ड्राई फ्रूट डालिए और गर्मा गर्म सर्व कर दीजिए, भोग लगाइए या कुछ भी करिए। तो देखिए, इस तरह से देख सकते हैं, अच्छे से फ्राई करेंगे, ड्राई कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि कड़ा प्रसाद तो कड़ा प्रसाद की तरह होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, कितना टेस्टी लग रहा है दिखने में। तो ये ड्राई फ्रूट डाल दिया है और अब हम करेंगे सर्व। ये देख सकते हैं गाइस, यम्मी टेस्टी हमारा कड़ा प्रसाद बन करके तैयार है। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, और प्लीज़ हमें बताइएगा कमेंट करके कि हमारी वीडियो कैसी लगी। गाइस, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको सुला के हम रात में ये सारा काम करते हैं, तो कभी कभी वीडियो नहीं आ पाती है, उसके लिए सॉरी। और प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके।